सो हे या गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं अपने चैनल पे। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक हिमलैंड्स की थियोरी। सो रिसेंट वाले हिमलैंड्स के वीडियो में हमने देखा किंग ओडिन कैसे ब्लैकमेल करता है स्मार्टी भैया को एक पार्कोर रेस में कम्पीट करने के लिए, जहाँ पे उनका मकसद सिर्फ पार्कोर रेस को जीतना नहीं होता बल्कि उसमें एक बहुत ही बड़ा झोल करना भी रहता है। तो क्योंकि किंग ओडिन ने क्वीन जैस्मिन का वशीकरण करके रखा था, तो इसीलिए स्मार्टी भैया को ऑफकोर्स उस पार्कोर रेस में कम्पीट करना पड़ा और किंग ओडिन की बात माननी पड़ी। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है, ये मेन थ्योरी नहीं है, बस एक छोटी सी थ्योरी है कि किंग ओडिन ने खुद पार्कोर रेस में पार्ट लेके क्यों अब वो झोल कम्प्लीट नहीं किया, क्योंकि उसको तो ये लूप होल पता था, जैसे कि वीडियो में भी स्मार्टी भैया ने बताया कि एक लूप होल बहुत बड़ा कि उस सिस्टम में जहाँ पे भी उस पार्कोर रेस में कोई भी धमाका होगा या फिर कोई भी चीटिंग करने की कोशिश करेगा कोई प्लेयर, तो वो सिस्टम को पता चल जाएगा, एल्गोरिथम को पता चल जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस किसी घर के अंदर ब्लास्ट होता है या फिर कोई भी चीटिंग होती है, तो वो एल्गोरिथम को नहीं पता चलेगा। लेकिन किंग ओडिन अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं चाहता था, इसीलिए शायद उसने स्मार्टी को भेजा ताकि वो पार्कोर कंपटीशन में भाग लेके झोल करे, जिससे अगर एल्गोरिथम को बाय चांस पता भी चल जाता तो आईडी बैन स्मार्टी की होती ना कि किंग ओडिन की, और इस तरह किंग ओडिन बच भी जाता। लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं और स्मार्टी ने कंप्लीट कर दिया वो पार्कोर कंपटीशन और उसने वो झोल भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि वो बंदा कौन था जिसको स्मार्टी ने रेस्क्यू किया आइसबर्ग के अंदर से। अब देखो उसका बलिदान तो स्मार्टी ने नहीं दिया, किंग ओडिन की बात उसने नहीं मानी, इसका मतलब श्योर है कि वो इंसान जिसको स्मार्टी ने रेस्क्यू किया वो कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है, जो कि वीडियो में भी स्मार्टी ने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है, वरना कौन उसको ऐसे ही कुछ किसी बड़े वाले आइसबर्ग के अंदर ग्लेशियर के अंदर उसको ट्रैप करके रखेगा, वो भी एक साल से, क्यों कोई ऐसा करेगा। तो यहीं से मेरी तीन थियोरीज आती है कि ये बंदा एक्चुअली हो कौन सकता है। तो पहली वाली थियोरी ये कहती है कि शायद ये कोई अननोन बंदा है या फिर नया बंदा है जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला, ऑफकोर्स हमें नहीं पता चला इसके बारे में, या फिर ये कोई बहुत ही नया करेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ये एंटिटीज के लेवल का पावरफुल हो या फिर उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो और स्मार्टी को बचाने के लिए ये उनसे भी भिड़ जाए। अब ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से सेकंड हाईएस्ट हैं। ओके नाउ कमिंग टू द सेकंड थियोरी, मेरी सेकंड थियोरी ये कहती है कि शायद ये कोई गेम का डेवलपर या फिर कोई नई एंटिटी हो सकती है। यस यू हैड दैट राइट, मे बी नॉट श्योर, ये कोई गेम का डेवलपर हो सकता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि एजीओ ने लास्ट में पुलिस बुलाकर स्मार्टी को जेल भिजवाने का प्लान बनाया है, उस पर केस भी ठोक दिया है, और जो जज आने वाला है नया जज उसके बारे में भी हमें नहीं पता। तो शायद ये हो सकता है कि स्मार्टी को जेल हो जाए, ठीक है, और उसकी आईडी बैन हो जाए, और मे बी ये जो गेम का डेवलपर है, मतलब ये नया वाला बंदा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये गेम का डेवलपर है जो कि बाद में स्मार्टी का आईडी रिकवर होने में हेल्प करेगा, मतलब स्मार्टी की आईडी बैन होगी, पुलिस उसको पकड़ लेगी, जेल हो जाएगा, उसके बाद ये गेम का डेवलपर या फिर गेम का जो भगवान जो भी है ये उसकी मदद करेगा आईडी रिकवर करने में, और फिर ये सब लोग एक साथ मिलकर एंटिटीज से लड़ेंगे। सो कमिंग टू आवर थर्ड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थियोरी, सो इस थियोरी के सच होने के चांसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बस एक छोटा सा काम करो, तुम लोग वो लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, अगर तुमने नहीं लाइक किया और सब्सक्राइब किया है दैट मीन्स ए लॉट, चैनल पे अच्छी अच्छी कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो या ये थर्ड वाली थियोरी ये कहती है कि शायद वो जो बंदा जिसको स्मार्टी ने रेस्क्यू किया था ना, वो शायद या तो खुद जज हो सकता है या फिर वो जज से एनी हाउ रिलेट कर सकता है, आई मीन
कोई उसका फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव, कोई बहुत अच्छा दोस्त या फिर कुछ भी। तो ये थ्योरी यही कहती है कि शायद वो बंदा खुद या तो जज है या फिर जज का कोई बहुत ही करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार है। तो यहाँ पे मेरी इस वाली वीडियो की थ्योरी तो एंड होती है, लेकिन हिमलैंड्स में गड़बड़ों का सिलसिला कभी एंड नहीं होता मेरे दोस्त, और हम विश करेंगे कि कभी हो भी ना, क्योंकि अगर गड़बड़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो हमें अच्छा कंटेंट कहाँ से देखने को मिलेगा, हिमलैंड्स का कंटेंट कहाँ से देखने को मिलेगा। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रात को रोज़ लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता हूँ, तो तुम रात को मेरे साथ लाइव स्ट्रीम्स में जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।